Good morning, dear student. Today we are going to start our new topic, that is socialism in Russia. Russia में socialism कैसे शुरू हुआ? तो socialism हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि socialism क्या था, socialist कौन थे. Now come on to the point, that is the Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898. It means Russia में एक social democratic party form हुआ था जो कि वर्कर पार्टी था, वर्कर लोगों को मिलाकर बना था. इट वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, जो कि सोशलिस्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था. एंड ऑब्वियस मार्क्स आइडियाज कहने का मतलब है या तो वो कार्ल मार्क्स के आइडिया से वो इंस्पायर्ड होते, या तो लुइस ब्लैंक के आइडिया से इंस्पायर्ड होते. तो जितने भी सोशलिस्ट थे अगर वो उनके आइडिया से इंस्पायर्ड होते हैं देन दे बिकम सोशलिस्ट. Come on to the next. Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि रसिया के जो पीजेंट थे वो चाहते थे कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हो. That's why they want to become socialist. So only peasant would be the main force of the revolution in Russia. And the Russia could become socialist more quickly than the other countries. और धीरे धीरे हो सकता था कि रसिया, ऐसा एज्यूम किया जा रहा था, रसिया कुड बी कम, हो सकता है रसिया सबसे बड़ा सोशलिस्ट कंट्री बन जाता मोर क्विकली दैन द अदर कंट्री, अगर वहाँ पे हो रहे रिवॉल्यूशन को सप्रेस नहीं किया जाता तो. नेक्स्ट इज दूसरा कारण और क्या था सोशलिस्ट के आगे नहीं बढ़ने का, तो कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो थे वो उनको प्रमोट नहीं कर रहे थे. कम ऑन टू द नेक्स्ट. दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टीज इन 1900. तो जो कुछ और रिवॉल्यूशनरीज थे, जो और सोशलिस्ट लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक अलग से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 फॉर्म किया गया. 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स. लेनिन फेल्ट दैट, लेनिन हु इज लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ये हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे लेनिन के बारे में. He felt that peasant were not one united group. Peasant जो हैं वो united group में नहीं है. क्यों? Some were poor and other rich. कुछ उनमें से गरीब थे, कुछ रिच थे. ऑब्वियस बात है जहाँ पे रिच और पुअर आ जाते हैं वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन, एक डिफ्रेंसेस आने लगता है जब वहाँ पे लोग अलग होने लगते हैं. नेक्स्ट कम ऑन टू द पॉइंट, दैट इज सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर वेयर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर. कुछ लेबरर थे तो कुछ फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे. तो ऑब्वियस होता है कि लोगों में डिफरेंस हो जाता है कि वो लेबर है, वो कूली मजदूर जैसा काम कर रहे हैं, और दूसरा फैक्ट्री इंडस्ट्री में अगर वो काम कर रहे हैं तो अपने आप को सोचता है कि हम उससे हायर पोस्ट पर हैं, या फिर वी आर रिच एंड देवर पुअर, इस तरह का एक डिफ्रेंसिएसन बन जाता है. नेक्स्ट इज द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर ए स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी के कारण, रणनीति के कारण, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी जो डिफरेंसेस था उसके कारण पार्टी डिवाइड हो गया. कौन सा पार्टी? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी. एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, दैट इज व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बोल्शेविक एंड मेंशेविक के बारे में. तो ऑब्वियस बात है अगर एक बोल्शेविक को लीड करने वाला व्लादिमीर लेनिन है तो दूसरे मेंशेविक होंगे. बोल्शेविक क्या था? दे थॉट दैट द रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रसिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल बी द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेम्बर. पार्टी जो होगा वो डिसिप्लिन होगा एंड उसके जो नंबर होंगे या जो उसमें इन्वाइटेड लोग होंगे वो उनके उनका क्वालिटी देखा जाएगा. इट मीन्स कि जो बोल्शेविक के मेंबर थे उनका क्वालिटी एंड नंबर डिसिप्लिन वे में था. अदर वेयर मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी. ऑब्वियस बात है अगर ये ओपन टू ऑल है तो इनको प्रिफरेंस, इनको सपोर्ट मिलेगा, लोगों का लॉयल्टी मिलेगा, एंड बोल्शेविक को लोगों का लॉयल्टी नहीं मिलेगा. तो मेंशेविक जो थे वो ओपन टू ऑल एंड बोल्शेविक वे डिसिप्लिनड. नेक्स्ट इज अ टर्बुलेंट टाइम, इट मीन्स बैड टाइम फॉर द रसिया द 1905 रिवॉल्यूशन. रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मीन्स इट वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप.
अनलाइक द अदर यूरोपियन रूलर इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। कहता है सबसे पहले जैसे बाकी के कंट्री में जब शुरू शुरू में जैसे फ्रांस में लुई 16 आया या फिर रॉबर्सपियर आए, फिर नेक्स्ट इज नेपोलियन बोनापार्ट आया, तो ये लोग पहले एक वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये पार्लियामेंट में आए। तो ज़ार का भी स्थिति वही था रसिया में, ये भी शुरू में इसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये लोगों के लॉयल्टी को गेन करने के लिए अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, फिर धीरे धीरे इसको पार्लियामेंट में जगह मिलना शुरू हुआ। लिबरल्स इन रसिया कैंपेन टू इंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ये अलग अलग थे, अब एक जगह पर आकर ये दोनों एक हो गए थे। कहाँ पे? जब ये दोनों का डिमांड सेम था दैट दे वॉन्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas, Jadidis, who wanted modernized Islam to lead their societies. Jadidis कौन थे? तो ये चाहते थे modernize Islam, मतलब इस्लाम को तो follow करने वाले चाहते थे, but ये चाहते थे कि हमारा इस्लाम थोड़ा सा modern हो, modern हो means इनके धर्म में थोड़ा सा changes हो, थोड़ा सा कहने का मतलब है कि जो जैसे western culture होता है तो Indian culture जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो छोड़कर धीरे धीरे वेस्टर्न में चेंज हुए, तो इस्लाम भी अपने आप को चाहता था कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो, और जो ये चाहते थे दे वेयर नोन एज जदिदिस्ट। द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली हैड वन ऑफ द रशियन फॉर रशियन वर्कर। अब कह रहे हैं 1904 का जो समय था वो रशियन वर्कर के लिए था। आइए देखते हैं क्या था। पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे जो 3 पॉइंट्स है वो एक्शन है, वर्कर के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, एंड देन उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस है रिजल्ट जो होगा वो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जो डिसीजन होगा वो रिजल्ट होगा। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड रोज टू क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। इस रिवोल्यूशन को या फिर सोशलिस्ट के डिमांड को सप्रेस करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए क्या किया गया, तो एसेंशियल गुड्स का दाम बढ़ा दिया गया एंड रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%, और उनका जो एक्चुअल वेजेस था वो 20% कम हो गया। मतलब एक तरफ से महंगाई बढ़ी और दूसरी तरफ से उनका इनकम कम हुआ। नंबर टू, द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। कहता है मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स जो था वो रोज कर बढ़ गया, मतलब वर्कर को जिनको मेंबरशिप लेना होता था तो पहले जो मेंबरशिप लेने के लिए वो चार्ज देते थे, अब वो चार्ज हाई हो गया था। When 4 members of the assembly of the Russian workers which have been formed in 1904, they were dismissed at the Putlio Iron Works। कहता है कि जो भी रशियन वर्कर्स थे जो रिवॉल्यूशन में शामिल थे उनको डिसमिस कर दिया गया। तो ये एक्शन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इसका रिजल्ट क्या हुआ? Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on a strike. 110,000 वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर, अपने डिमांड को पूरा करवाने के लिए वो चाहते थे कि 8 आवर का वर्किंग आवर हो। एंड इंक्रीज इन वेजेस, अपने वेजेस को इंक्रीज करवाने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब जब वर्कर के द्वारा ये स्ट्राइक किया गया तो फिर से गवर्नमेंट का एक डिसीजन था। गवर्नमेंट का डिसीजन क्या? When the procession of worker led by Father Gapon के द्वारा इस procession को lead किया जा रहा था। When they reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossack। पुलिस के द्वारा, आर्मी ऑफिसर के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया। Over 100 worker were killed and 300 wounded। 100 worker मर गए and 300 worker wounded हो गए। Wounded मतलब चोट लगना या फिर उनको नुकसान हुआ। द इंसीडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इसी इंसीडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और ये जो सीरीज चल रहा था, रिवॉल्यूशन करना, गवर्नमेंट से डिमांड करना, अपने वेजेस को बढ़वाने के लिए, वर्किंग आवर को कम करवाना, या फिर जितने भी सीरीज थे, ये जो रिवॉल्यूशन का सीरीज था, ऑल द सीरीज कम्बाइंड नोन एज 1905 रिवॉल्यूशन। बट जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 100 वर्कर मारे गए, 300 वर्कर वॉन्डेड हुए, फादर गैपन के ऊपर
या फिर फादर कापन के साथ जो रैलीज था उसके ऊपर जो अटैक किया गया, ऑल दीज आर कॉल्ड ब्लडी संडे। नेक्स्ट इज फिर से अगेन रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, फिर से वर्कर स्ट्राइक पे चले गए एंड यूनिवर्सिटीज़ वेयर क्लोज्ड, इस बार यूनिवर्सिटी को भी क्लोज कर दिया गया। व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्ट्राइक वॉक आउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, जब स्टूडेंट को ऐसा फील हुआ कि उनका सिविल लिबर्टीज़ जब वो हार्म हो रहा है तो स्टूडेंट भी स्ट्राइक पे चले आए, पहले तो वर्कर थे स्ट्राइक पे, अब स्टूडेंट भी। नेक्स्ट इज लॉयर डॉक्टर इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, केवल स्टूडेंट एंड वर्कर ही नहीं, अब उसके बाद लॉयर डॉक्टर इंजीनियर ये लोग भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिए, किस चीज़ के लिए, दे ऑल वेयर डिमांडेड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इन सब के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया। नेक्स्ट इज आफ्टर 1905 जब ये पूरी तरह से सारा रिवॉल्यूशन जब कुछ ख़त्म हो गया, तो जैसे इंडिया में 1857 के रिवोल्ट के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि अब जो पावर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं होगा, ब्रिटिश क्राउन के पास होगा, क्यों, ताकि 1857 के जैसा रिवोल्ट फिर से ना हो, तो ज़ार के द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया कि 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो रिवॉल्यूशन दोबारा ना हो। क्या लिया गया, आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, जितने भी यूनियन थे और कमिटीज़ थे उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सीवियर रिडिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थे उनके ऊपर सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, इट मीन्स स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया। द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद 75 डेज, पहले ड्यूमा को ज़ार के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। पहला ड्यूमा, ड्यूमा क्या था, तो जैसे इंडिया में पढ़े थे हम लोग कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है, लोकसभा डिसॉल्व होता है, उसी तरह से वहाँ पे पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, रसिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। इट वॉज डिसॉल्व बाई ज़ार एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, एंड सेकेंड ड्यूमा इट मीन्स री इलेक्शन जो हुआ वो विद इन 3 मंथ्स हुआ। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑन हिज अथॉरिटी, वो नहीं चाहता था कि उसके अथॉरिटी पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चनिंग हो, एनी रिडक्शन इन हिज पावर, या फिर अपने पावर में किसी भी तरह का वो रिडक्शन नहीं चाहता था। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ उसने थर्ड ड्यूमा को पूरी तरह से पैक कर रखा था, इस मीन्स जो थर्ड पार्लियामेंट था वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव से पैक था। क्यों कंजर्वेटिव से पैक था, क्योंकि कंजर्वेटिव चाहते थे दे वॉन्ट टू रिमेन विथ ज़ार, कंजर्वेटिव ज़ार के साथ रहना चाहते थे, पढ़ चुके हैं पहले लिबरल कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स, कंजर्वेटिव मीन्स दे फॉलो देयर ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, ये चाहते थे कि जो ओल्ड डायनेस्टी है वही चलता रहे, बट धीरे धीरे चेंजेस हो, ग्रेजुअल चेंजेस। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वेयर केप्ट आउट, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज को बाहर रखा गया, सिर्फ कंजर्वेटिव को ड्यूमा में जगह दिया गया। तो ये था 1905 का रिवॉल्यूशन एंड देन आफ्टर उसका रिजल्ट, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ओके, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते चलोगे कि 1905 के रिवॉल्यूशन में हुआ क्या और लास्टली इसका रिजल्ट क्या हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।